हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज ट्रेडिंग रही है और फर्दर क्या सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं। यहाँ जो भी हम कंडीशन लर्न करेंगे, बेसिक प्राइस पैटर्न रहेगा, तो हमेशा आपको बाइंग सेलिंग से पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। स्पेशली जो 17 और 18 का डे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों कंडीशन के लिए कि क्या कंडीशन होने वाली है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं रेगुलर अपडेट जो भी रहता है मार्केट सेंटीमेंट्स उसके विषय में डिस्कस करते रहते हैं। आज मॉर्निंग में हमने देखा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, उसके पीछे जो मेजर कंडीशन बन रहा है कि अभी जो लोगों का मानना है कि 25 पॉइंट होगा या 50 पॉइंट होगा, दो कंडीशन में एडजस्ट होने वाले टाइम पर चल रहा है। अब 5% से लेकर 5.25% की तरफ आता है वो बेटर रहने वाला है। इससे पहले अगर आप देखते हो अभी करंट सिचुएशन में 5.25 से लेकर 5.50 के बीच में वर्तमान में भी करंट कंडीशन में चलता हुआ देखने को मिला है। तो प्रेजेंट को अगर देखते हो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो इस बेस में ग्लोबल कंडीशन और अदर कंडीशन भी इसको फॉलो करेगी, उसको हम प्राइस पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो इसने बेस का फॉर्मेशन कर रखा है पूरे दिन, अगर रेंज का फॉर्मेशन करने के बाद में ये लगभग 6 बजे के आसपास हायर साइड में गया है, और इसके जाने के बाद अभी भी इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है कि सडन स्पाइक आ गया। ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो जो सिल्वर है और गोल्ड है थोड़ा डाउन साइड आएगा, इसी तरह से रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। मेजर ट्रेंड के लिए हमें फाइनल आउटपुट जो भी आना है वो आ जाएगा, वो तभी डिपेंड करेगा। अभी जो भी कंडीशन है हम सिर्फ डॉट्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो ये प्रेडिक्शन हो सकता है, बट एवरीथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन की फेड ऑफिशियल एंड फेड गवर्निंग बॉडीज स्पेशली क्या थिंक कर रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होने वाले, ये बेसिकली मेन कंसर्न है। तब तक के लिए ये मार्केट इसी तरह अप एंड डाउन स्मॉल रेंज में घूमता रहेगा। यहाँ आप देख रहे हो पूरे दिन रेंज एक हाई साइड गया, दोबारा से उसी रेंज में अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड पूरे दिन रेंज में रहा है। मॉर्निंग का कंडीशन अगर हमने देखा था जो 2577 का लेवल इसके आसपास ही आया है और यहीं पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो होपफुली आप लोग कंडीशन को लर्न कर रहे हैं और इस बेस से फर्दर डिसाइड करने के लिए अभी हमारे पास रेंज जो बनी हुई है वहाँ पे 2590 से लेकर 2578, यहाँ पे एक बेस का क्रिएशन था जो इसने गैप के थ्रू क्रिएट किया था, बट इसको इसने फिल किया है, लेकिन यहाँ से इसने एज ए सपोर्ट लेकर दोबारा से हायर साइड में गया है। तो यहाँ भी कंडीशन अभी मिक्स ही रिएक्शन का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मेजर कंडीशन के लिए हमें स्टिल अभी वेट करना पड़ सकता है। इंडियन M6 की अगर बात कर लेते हैं तो रेंज का फॉर्मेशन यहाँ भी सपोर्ट लेवल पे आया है। कंडीशन क्या रही है, प्राइस पैटर्न क्या रहा है, उसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरे साथ जो मॉर्निंग की कंडीशन उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेशली मार्केट एक डाउन साइड में जाता है, फिर दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन करता है 73,500 के आसपास से लेके हायर पॉइंट तक का हम यहाँ पे देखने वाले थे। ओवरऑल कंडीशन अभी यहाँ पे एक सपोर्ट के पास बना हुआ है, हो सकता है थोड़ा पुलबैक रहे, लेकिन फाइनली क्लोजिंग से 73,500 के आसपास ही करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिलेगी, स्पेशली फॉर टू डेज, टुडे एंड टुमारो मेजर इंडिकेशन रहेगी। जब तक इसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन हमें नहीं मिल जाता है कि मार्केट फर्दर कुछ करने वाला है। गोल्ड की अगर कॉमेक्स को देखते हैं, जो गोल्ड मेगा आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ भी देख रहे हो एक रेंज का फॉर्मेशन ही कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड आया है बट स्टिल एक रेंज का फॉर्मेशन है, 2600 के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सभी कंडीशन के विषय में अगर देखने के बाद में कॉमेक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो कॉमेक्स ने एक थोड़ा रेंज का फॉर्मेशन किया था, बट जो कंडीशन यहाँ पे भी रही एक सपोर्ट लेवल जो कंटिन्यू उसने सपोर्ट लिया उसी के पास ट्रेड कर रहा है। 31 इम्पॉर्टेंट है, उसके आसपास ही पूरे दिन बिताया है और इसको ब्रेक नहीं किया, थोड़ा हायर साइड लो साइड करता रहेगा। मेजर कंडीशन हमें तब देखनी है जब मार्केट में कुछ क्लियर डायरेक्शन बन जाए। बायर्स यहाँ अच्छे एक्टिव हैं बट कंडीशन कंफर्मेशन के लिए पेंडिंग है, जब तक कंफर्मेशन हो नहीं जाता है तब तक ये मेजर ट्रेंड डिसाइड नहीं करेगा। तो हमें जो आज का और कल का दो दिन का दिन है थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहना पड़ेगा। आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल अमाउंट के साथ में, स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं तो ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखते हैं सिल्वर मिनी को अगर आप स्पेशली वॉच करना चाह रहे हैं, तो ये जो कंडीशन इसने बना रखी है MCX में सपोर्ट लेवल मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, अभी भी ये कंडीशन हमारे लिए क्लियर है।
कि जब भी इसके पास आएगा एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। पूरे दिन अगर आप देखते हो एक रेंज बनाता है, जो यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन में बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उन्हें 300-400 पॉइंट लेना बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। बट हमें मेजर ट्रेंड के लिए स्टिल वी आर कंसर्न एंड वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहेंगे जब तक कुछ क्लियर इंडिकेशन ना हो जाए। ऐसा भी कुछ जो ऑफिशियल की तरफ क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि कितना रेट कट होगा, होगा भी या नहीं होगा, वो जो आउटपुट आ जाएगा उसके बाद फाइनल डिस्कशन होगा। अभी जो भी कंडीशन है एक स्टेटमेंट के बेस पे है, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट का आपको वेट करना है और उसके बाद में फर्दर प्लानिंग करना है। सपोर्ट लेवल एज इट इज़ आप देख रहे हो, जब भी इसके पास आए पुल बैक लगाने की कोशिश किया है, 90,000 यहाँ पे नो डाउट एक अच्छा रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में ये सपोर्ट है, इसी रेंज में इसको फाइनल क्लोजिंग करेगा। मेजर ट्रेंड के लिए हम स्टिल अभी वेट एंड वॉच में रहेंगे। स्मॉल क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है तो कोई इशू नहीं, आप मेजर ट्रेंड के लिए एज पर माई सजेशन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर माइक्रो को हम देखते हैं तो माइक्रो की कंडीशन अगर 300-400 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आपको इजी वे से मिल जाएगा। बट मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे बनी हुई है वो है ये जो हायर साइड का 90,000 से लेके 89,800 से लेके 90,000 का ये रेंज जो है इम्पोर्टेंट है। ये मार्केट अभी एक से दो दिन ट्रेड करता है यहाँ तो एक हमें अच्छा बेस क्रिएट करेगा, फिर इस रेंज को हम एज ए अपना स्टॉप लॉस मान के जो 1000 पॉइंट के आसपास रहेगा हम एक मेजर ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। लेकिन तब तक के लिए हमें यहाँ पे जो रेंज बनी है, रेंज में जब भी हमारे सपोर्ट लेवल पे आए कुछ क्वांटिटी के साथ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं, और जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाए तो डेफिनेटली आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करनी है। यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, बट जो मेजर कंडीशन रहती है उसको अगर आप देखोगे तो उस बेस से ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन जैसा हमने मिनी में देख रखा है सिमिलर टाइप से यहाँ माइक्रो में भी हमारे लिए कंडीशन है और इम्पोर्टेंट है। जब भी इसके रेंज के आसपास आएगा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन रहेगा, इसको ब्रेक कर देता है फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ब्रेक नहीं करता इसी रेंज में ट्रेड करता तो एक हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, वो पॉसिबिलिटी तभी कंसीडर होगी जब ये रेट कट की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन केस फेड अभी रेट कट की साइकिल स्टार्ट नहीं करता है, पॉज कैंडल लेता है, पॉज लेता है मतलब जो कंडीशन चले उसी में बस केवल स्टेटमेंट दे सकता है कि हम नेक्स्ट कभी कंसीडर करेंगे, तो भी हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा क्योंकि जो भी ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं सभी लोगों ने ये लगभग एक्सपेक्ट कर लिया है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट तो होना ही है। और यहाँ पे सिमिलर टाइप से अगर आप देख रहे हो तो एक यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश कर, अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम प्रीवियस डे की जो हाई है इसको रेंज मान के एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। बट मेजर कंडीशन मैं तभी यहाँ पे डिसाइड करूँगा, तभी यहाँ पे प्रेफर करूँगा जब यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन होता हुआ देखने को लिए। दो दिन तक हम मार्केट को वॉच करेंगे और अच्छे अपॉर्चुनिटी को वेट करेंगे। अगर कुछ आपको 100-200 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आपको सपोर्ट पे आने पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, रेजिस्टेंस पे जाने पे सेल कर देना, वो लेवल आपको 300-400 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं करना होगा एज पर माई व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।